एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले अपन लोग ने एक बेसिक डिस्कशन कर लिया म्यूचुअल फंड के चैप्टर में। गाइस अपनी एंट्री हो चुकी है कि नहीं? ओके, सो लास्ट जहां पे अपन लोग ने एंड किया था दैट वाज नैव। नैव क्या होता है? पर यूनिट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड। मुझे एक बात बताओ, ये नैव इंपॉर्टेंट है क्या? ये नैव इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि नैव इंपॉर्टेंट है? नेट एसेट वैल्यू जिसको अपन कहते हैं, बराबर, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्या लग रहा है आपको? सर इंपॉर्टेंट छोड़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। मैं अगर आपको बोलता हूं कि आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, कितने? 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं इस फंड में, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आप मुझे बताओ HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड मुझे कितना यूनिट्स देगा? बोलो बोलो, चल चल। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है आज की तारीख में और मैं इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज मिड कैप क्या होता है समझेंगे, बट फिलहाल मैं आपको बता दूं, लार्ज मिड कैप फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आप मुझे बताओगे कि मैं कितना यूनिट्स मेरे को मिलेगा अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो? कैन आई से 4758.30? कुछ लोग उसको राउंड ऑफ करके बता रहे हैं, कुछ लोग एग्जैक्ट बता रहे हैं। फेयर तो समझ में आया? तो भाई मेरे को एंड ऑफ द डे कितना यूनिट्स मिलने वाला है ना, वो मेरा डिसीजन है, डिपेंडेंट है नैव के ऊपर, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जब तुम लोग को मैंने CIO बनाया था तो मालूम है तुम लोग ने खुद से नैव कैलकुलेट किया था? तो ये 1225 तुम लोग ने कैलकुलेट किया था कि मैंने कैलकुलेट किया था? राइट, तुम लोग ने कैलकुलेट किया था कि भाई क्या मार्केट वैल्यू चल रहा है? अपन लोग का जो पैसा आया था 20 लाख रुपए है, उसको अपन लोग ने इन्वेस्ट किया। जहां पे इन्वेस्ट किया है उसका मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, उस हिसाब से मैंने नैव कैलकुलेट किया। एवरीबॉडी यस और नो, बराबर कि नहीं? डन सर। सो ओ प्रिंस बोल रहे लास्ट 1 मिनट का रिपीट कर दीजिए, लैपटॉप शट डाउन हो गया था। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। सुनो, अगर मेरे पास प्रिंस जी 10 लाख रुपए है और मुझे इस बेसिकली HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो 10 लाख रुपए में मैं कितना यूनिट्स मेरे को मिलेगा? तो सब लोग ने किया 10 लाख रुपीज है सर, एक यूनिट का 210.159 है, तो सर आपको 4758.30 यूनिट्स मिलेगा। एम आई राइट? बस हम लोग का ये डिस्कशन हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं आपको पूछता हूं, कि ये नैव क्या है, ये नैव तो ये नैव क्या है, अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये नैव क्या है, तो कैन आई से इट इज नथिंग बट, प्राइस और वैल्यू ऑफ, एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज परचेस्ड और सोल्ड, बराबर है। अगर मेरे को म्यूचुअल फंड परचेस करना है, क्या वैल्यू पे करूंगा? मैन। अगर मेरे को म्यूचुअल फंड सेल करना है, क्या वैल्यू पे करूंगा? मैन। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस, डन है, एकदम परफेक्टली क्लियर है। डन है सर, एकदम परफेक्टली क्लियर है। ओके सर, अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना चाहता हूं जिसका तुम्हारे को जवाब देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डज नैव चेंज एवरी डे? बोलो बोलो, चल चल। रूपल ने सबसे पहले जवाब दिया है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जीतती है रूपल। बिल्कुल सही जवाब है, यस सर। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, डज नैव चेंज एवरी सेकेंड लाइक शेयर्स इन स्टॉक मार्केट में? जैसे होता है ना, शेयर नॉन स्टॉप चेंज होते रहता है, क्या नैव भी ऐसे एवरी सेकेंड चेंज होते रहता है क्या? एंड इसका सबसे पहले जवाब दिया है
कान्या ने, कान्या ढिंगरा हमारा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीती है सेकेंड राउंड का। तो एक राउंड रूपल जीती है, सेकेंड राउंड कान्या जीती है। थर्ड राउंड के लिए आप तैयार हो जाइए। थर्ड क्वेश्चन, इज नैव पब्लिश्ड एट डे एंड एवरी डे टू सेबी? इज नैव पब्लिश्ड एट डे एंड टू सेबी एवरी डे? बताइए। यस, बिल्कुल सही जवाब, और सबसे पहले जवाब दिया है आरुषि, आरुषि खंडेलवाल ने, बिल्कुल सही जवाब। डन। चलो, सो इन शॉर्ट बेसिकली मैं ये चेक कर रहा हूं कि आप लोग के सब चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है क्या। द आंसर इज यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ओपन एंडेड स्कीम परचेज एंड सेल कैन बी डन विद म्यूचुअल फंड हाउस एट एनी टाइम। परचेज एंड सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन बी डन एनी टाइम। आंसर इज यस। एंड ये जवाब दिया है राधेश्याम जी ने, एक रॉन्ग आंसर, मानसी ने रॉन्ग आंसर दिया है। मानसी क्यों भाई, बाकी सब लोगों का करेक्ट आंसर है। यस 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 यस। चलो डन। ओके, एक और पॉइंट मैं खाली बता देता हूं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर purchased एंड sold एट नेट एसेट वैल्यू। बराबर है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है क्लोज्ड एंडेड फंड के लिए। सुनो, ये जो क्लोज्ड एंडेड फंड है ना, क्या ये क्लोज्ड एंडेड फंड मैं म्यूचुअल फंड हाउस पे जाके सेल कर सकता हूं या परचेज कर सकता हूं क्या? एनएफओ के पीरियड के बाद, 10 दिन का पीरियड है, मैंने परचेस कर लिया, उसके बाद मुझे एक महीने के अंदर क्लोज एंडेड फंड को सेल करना है, क्या मैं म्यूचुअल फंड के पास जाके बाय या सेल कर सकता हूं क्या? सबसे पहले जवाब दिया है अगेन भरत बूब, नो, द आंसर इज नो, नहीं सेल कर सकता। तो मैं इसको सेल कहां पे करूंगा? कैन आई से सेकेंडरी मार्केट में? तो क्लोज एंडेड फंड अगर सेकेंडरी मार्केट में, विच इज स्टॉक मार्केट में सेल हो रहा है, तो वो जब सेल होता है ना, इट इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो हो सकता है आपका नैव कुछ और हो, बट मार्केट डिमांड सप्लाई की वजह से जो उधर प्राइस चल रहा है ना उस क्लोज एंडेड फंड का, उस पे वो क्लोज एंडेड फंड सेल होगा। रोहन बी से तेरा एक क्वेश्चन था ब्रेक के पहले, आई होप वो आंसर तेरा क्लियर हो गया होगा। So, closed ended fund is purchased and sold at market value of that unit of mutual fund. ठीक है, market value पे sell होता है ऑफ दैट यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ये मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन स्टॉक मार्केट या इन ट्रेडिंग मार्केट, बेसिकली इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को जवाब देना है। नहीं, रुको रुको, कुछ मत लिखो, मैं बोलूंगा कब क्या लिखना है, अभी तुम लोगों को थोड़ी ना लिखने का टाइम दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, closed ended fund units are purchased and sold at NAV after NFO, yes ya no?
नो? ओहो, सही जवाब। जी हाँ, मतलब इन जी ना। सो क्लोज एंडेड यूनिट्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। भाई अभी तो लिखवाया। ए कान्या ढिंगरा ने रॉन्ग आंसर दिया। कान्या क्या कंफ्यूजन है? रोहन बी से अक्षत सिंगला सब रॉन्ग आंसर। क्यों? बाकी सब लोग का करेक्ट है कि तीन लोग ने करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर क्यों दिया? मीर, पिंकल, महादेव, बाकी सब लोग ने करेक्ट आंसर दिया। प्रेमा सॉरी प्रेरणा, पुष्पश्री करेक्ट ना। एट नैव पे थोड़ी सेल होता है, ये किस पे सेल होता है? ये तो सेल होता है एट मार्केट वैल्यू। ओके, मुझे भाविन भंबानिया, प्रिंस तोशनीवाल, दीपांशु शर्मा, दर्शन, नहीं ये लोग सब लोगों ने तो नो दिया। यस हाँ, रोहन बी से अक्षत सिंगला। भाई तुम लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ अक्षत सिंगला, रोहन बी से। हाँ तो मित्रा, रोहन बी से, तो तूने यस क्यों बोला? नो ना। क्लोज एंडेड यूनिट्स आर परचेज एंड सोल्ड एट नैव आफ्टर एनएफओ। नो, दे आर सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। अक्षत सिंगला समझा रहा बेटा? डन, चल ग्रेट 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 ग्रेट। चल इधर तक सब लोग क्लियर है? तो कैन आई से, अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या अपने को नैव का कैलकुलेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को नैव का कैलकुलेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर बेशक आना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आओ अब मैं दिखाता हूं तुम्हारे को नैव कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला अपन लिखते नहीं है, फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं। ये क्या बोला, क्या बोला? फॉर्मूला अपन लिख के बताओ मुझे, फॉर्मूला अपन लिखते हैं क्या? फॉर्मूला अपन जय बात ऑलवेज। तो भले ही आपका एस सी एम पी हो या एस एफ एम, फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, फॉर्मूला डिराइव करूंगा। समझे क्या? चलो आओ बनाते हैं फॉर्मूला को। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो अब लॉजिकली मुझे बताओ नैव क्या होता है। उसके लिए मैंने तुम लोग के पास से कैलकुलेशन करवाया है। आ जाओ इस कैलकुलेशन के ऊपर। कैन आई से ये नैव, ये वाला जो कैलकुलेशन था, 15 जैन को तुम लोग का नैव कितना आया? 15 जनवरी को तुम लोग का नैव कितना आया? मुझे, मैं जो पूछ रहा हूं मुझे उसका चुपचाप जवाब देना, आगे पीछे का मुझे कुछ नहीं चाहिए। 15 जनवरी का तुम लोग का नैव कितना आया, मुझे जवाब चाहिए उसका। सब लोग ने सही जवाब दिया है सर, 1225। ओके ओके ओके। सो 15 जनवरी को तुम लोग का नया आया 1225। अच्छा कैसे आया? तुम लोग को तो फॉर्मूला आता नहीं था, तुम लोग ने तो लॉजिकली किया। तो लॉजिकली तुम लोग ने क्या किया? कहना इससे यहां पे जो अपन लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था उसका तुम लोग ने मार्केट वैल्यू निकाला, विच केम टू 24,50,000। एवरीबॉडी यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, उसको तुम लोग ने डिवाइड किया, उसको तुम लोग ने डिवाइड किया किसके साथ डिवाइड किया? कहना इससे नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग के साथ डिवाइड किया। नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग के साथ डिवाइड किया। 2000 यूनिट आउटस्टैंडिंग था ना भाई, अपन लोग ने 2000 यूनिट इशू किया था और उसके बाद मैंने बोला कुछ भी परचेस सेल नहीं हुआ है, 2000 यूनिट बचा था। सो कहना है इससे यहाँ पे मैं तो नैव ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ फॉर्मूला के बिना भी। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो मेरा म्यूचुअल फंड से पैसा आया था उसको जो इन्वेस्ट किया था उसका मार्केट वैल्यू निकाला, बराबर के नहीं? सो यहाँ पे कैन आई राइट, कैन आई राइट नैव वॉज कैलकुलेटेड एज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय, किससे डिवाइड किया? जितने यूनिट्स मेरे उस दिन पे आउटस्टैंडिंग थे, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। ए समझिए, ए बोलो यार, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? ये लॉजिकली समझा क्या? एक सेकंड ना। क्या ये लॉजिकली समझियो आपको एवरीबॉडी? यस,
फर्स्ट फॉर्मूला फॉर स्टूडेंट नोट्स, यस 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 डन. सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. अब सुनो अब सुनो अब सुनो, ये पे मैंने एक वर्ड लिखा है इन्वेस्टमेंट. ये मेरा फॉर्मूला अभी तक बना नहीं है, अभी तो इसको मैं और तोड़ूंगा. यहां पे मैंने लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग उसका जवाब देना. ये जो मेरा इधर इन्वेस्टमेंट है, ये जो मेरा इधर इन्वेस्टमेंट है, क्या ये मैं खाली इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा कि और भी जरिए है इन्वेस्टमेंट करने के? सर नैव एंड मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? नैव पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे बस, और मार्केट वैल्यू टोटैलिटी पे होगा. यहां पे अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नैव पर यूनिट. इसके लिए देखना, इसको इधर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया बस, और कोई डिफरेंस नहीं है. अक्षत समझा? सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जब तुम लोग सीआई होते हैं तो तुम लोग ने आरआई और टीसीएस में डाल दिया, बट क्या इक्विटी शेयर के अलावा और कोई जगह नहीं है क्या इन्वेस्ट करने का? है ना, कहां कहां पे है मुझे जरा बताओ ना. तो एक तो भाई मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि मैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, बराबर है. अब इक्विटी शेयर्स में मैंने जितने पे इन्वेस्ट किया होगा और उसके बाद उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो मैं यहां पे लिख दूंगा. इक्विटी शेयर्स में मार्केट वैल्यू बढ़ा उसकी वजह से मेरा इधर चेंज होगा, क्या इसके अलावा भी इक्विटी शेयर्स का मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? सोच समझ के बताओ जरा. क्या इक्विटी शेयर्स का एक तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, उसका मैंने इधर इंपैक्ट दिया, क्या उसके अलावा भी इक्विटी शेयर्स मुझे और कोई रिटर्न देता है क्या? सोच समझ के बताओ जरा, बोलो बोलो, चल चल. सो यहां पे मैं लिख दूंगा प्लस इक्विटी डिविडेंड. भाई साहब वो भी तो आएगा, राइट राइट राइट, ओके ओके. अब दूसरा मैंने तुम लोगों को पूछा था कि चलो और इन्वेस्टमेंट के जरिए बताओ, तो तुम लोग ने बताया सर बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, वहां पे भी तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं. द आंसर इज यस. भाई मेरे को, मैंने 10 लाख रुपया तुम लोग को दिया इन्वेस्ट करने को म्यूचुअल फंड को, तो तुम लोग पूरा का पूरा थोड़ी इक्विटी में डाल दोगे, कितना रिस्की हो जाएगा. थोड़ा अपन डिबेंचर और बॉन्ड्स में भी तो डालेंगे ताकि वो तो सिक्योर्ड रहे अपना. सो यहां पे मैं लिखूंगा दैट क्या ना, इससे डिबेंचर, थोड़ा डिबेंचर में डाल दो, थोड़ा बॉन्ड में या फिक्स डिपॉजिट में डाल दो. अरे हाँ कि ना, अगर इनमें डाला देन इन दैट केस क्या ना, इससे इनमें से मुझे क्या मिलेगा? करेक्ट, इनमें से मुझे मिलेगा इंटरेस्ट. क्या वो इंटरेस्ट भी ऐड होना चाहिए क्या? जी हाँ, वो भी तो मेरे लिए एक इनकम के जैसा है, वो भी तो मेरे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है. समझू? ओके जय कुमार, थोड़ा रुक जाना, तेरे क्वेश्चन का आंसर देता हूं, डोंट वरी. हैके नहीं, डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. यस जस्ट लीन मींस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. यस, सो भाई जो भी इनकम आ रहा है वो सारा का सारा मेरा ही तो है, वो सारा का सारा मेरा ही तो है. हैके नहीं, हैके नहीं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. अब इसके अलावा और कोई भी मेरा मिसलेनियस इनकम मेरे को हुआ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने रियल एस्टेट में डाला तो उससे भी मेरे को कुछ इनकम हो सकता है, ये वो, तो ये और कोई भी इनकम हुआ तो वो भी तो मेरा इनकम ऐड हो जाएगा. एवरीबॉडी आर वी अंडरस्टैंडिंग? इन्वेस्टमेंट मेड इन क्रिप्टो ऑल्सो कंसिडर्ड? यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल यस. बट क्या आप आपके म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने दोगे क्रिप्टो में, या क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है? अगर हाँ देन इन दैट केस हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल यस. गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया है, अच्छी बात है, तो गोल्ड का जो मार्केट वैल्यू चेंज हो रहा है वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा यार. जहां पे भी करो उस पार्टिकुलर एसेट का मार्केट वैल्यू प्लस पर्टिकुलर एसेट का इनकम. सो यहां पे मैं एक चीज लिखवा देता हूं, यहां पे मैं एक चीज लिखवा देता हूं, एक जनरल थंब रूल वाली चीज लिखवा देता हूं. जो भी एसेट में इन्वेस्ट करो उस एसेट का मार्केट वैल्यू प्लस
इनकम फ्रॉम दैट एसेट, इनकम फ्रॉम दैट एसेट। ए समझे क्या? चलो डन। कौन से सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड हाउस ने इन्वेस्ट किया है वो बताइएगा, जरूर बताएंगे जय कुमार। चलो डन गाइस, समझ में आ गया। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका मार्केट वैल्यू ले लो, वो इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम ले रहा है उसको भी ऐड कर दो। अब मुझे बताओ, ये तो सब इनकम इनकम आवन आवन हुआ, क्या कुछ खर्चे भी होंगे क्या आपके? बोलो बोलो चल चल। तो वो खर्चे माइनस हो जाएंगे, वो खर्चे माइनस हो जाएंगे। अगर लॉस हुआ तो डिडक्ट करेंगे बिल्कुल। तो क्या होगा, तेरा मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो उतना वो एडजस्ट हो जाएगा ना पैसा। तो यहां पे अभी मेरे पास जगह नहीं है, इसमें लेस कर दूंगा मैं लायबिलिटी। ठीक है, सो इसमें लेस एक्सपेंस, जैसे एएमसी फीस है या और भी कोई हुआ या और कोई लायबिलिटी है, आप लोग ने कोई जगह रोगे ना भाई, म्यूचुअल फंड कहाँ पे बैठेगा, आपके सर पे नहीं, एक जगह लेगा, उसका रेंट होगा, उसके एम्प्लॉयज होंगे, उसका सैलरी होगा, वो सारा आपका एक्सपेंसेस आ गया। माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज योर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या आपको लॉजिकली समझ में आई बातें? इसमें एक्सपेंस में खाली एएमसी फीस नहीं आएगा, वो जो जगह है म्यूचुअल फंड रह रहा है उसका रेंट, फिर बाद में उधर के जो लोग हैं उधर काम करेंगे उसका खर्चा, प्यून भी होगा और भी स्टाफ भी तो होगा जो आपसे कोऑर्डिनेशन भी करेगा, वो सब भी तो करेगा, तो वो स्टाफ का खर्चा, वो सब मिला के जो भी एक्सपेंसेस होता है वो, या और कोई लायबिलिटी अगर अराइज हुआ रहेगा, वो सारा माइनस करके जो बचता है वो आ जाता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या आप लोग को लॉजिकली समझ में आई बात? सो क्या मैं आप लोग के परमिशन के साथ वापस से लिखूं यहां पे, नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम लोग अभी खाली फोकस करो लॉजिक्स के ऊपर, लिखने बिकने का टेंशन मत लो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना अभी पार्टिसिपेट करोगे उतना लॉजिक्स क्लियर होगा, उतना मजा आएगा आगे सम सम सॉल्व करने को, उतना ही चीजें और क्लियर रहेगी। अब डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, एम आई राइट? यस सर। अब इसमें क्या क्या करोगे आप, सबसे पहले मार्केट वैल्यू लिख लोगे आप इन्वेस्टमेंट का, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बराबर है? ठीक है। सेकेंड, अगर आपको कुछ डिविडेंड इनकम मिली तो वो भी लिख दोगे आप डिविडेंड इनकम। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, एक क्वेश्चन है, अगर मैंने यहां पे कोई शेयर को बेच दिया, तो अगर यहां पे चलो इक्विटी शेयर्स है उसका मार्केट वैल्यू है, बट हो सकता है मैंने कोई शेयर लिया और कोई शेयर बेच दिया, तो वो केस में इक्विटी डिविडेंड ठीक है, इक्विटी शेयर मार्केट वैल्यू ठीक है, बट मैंने तो उसको बेच दिया, तो क्या ना इससे कुछ कैपिटल गेन भी अराइज हो सकता है मेरे को। सो अगर कोई कैपिटल गेन भी अराइज हो रहा है तो वो भी यहां पे आएगा। रेंट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ म्यूचुअल फंड वाई दे आर डिडक्टेड फ्रॉम मार्केट वैल्यू, तो क्या आपका वो खर्चा कौन संभालेगा, वो खर्चा किसका हुआ? किसी ना किसी को तो बेयर करना पड़ेगा ना, तो जो भी मेरा इधर एक्सपेंसेस है उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी मेरा इधर यहाँ पे मेरा इनफ्लोज है या मेरा एसेट्स है उसमें से माइनस कर दूंगा ना मैं, खर्चा कोई ना कोई तो बेयर करेगा ना। चलो और अपन लोग ने देखा इंटरेस्ट इनकम, और अपन लोग ने देखा अदर इनकम या कुछ भी हुआ रिसीवेबल, तो ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा और इसमें फिर अपन लोग माइनस कर देंगे, और फिर अपन लोग इसमें माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? करेक्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अगर कुछ हो तो, एक्सपेंसेस अगर कुछ हो तो,
एंड अदर पेबल्स, ये सब मिला के, ये सब मिला के आपको मिल जाएगा टोटल नेट एसेट वैल्यू। इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स, अक्षत सिंगला ये देख, ये सब मिला के नेट एसेट, मालूम है तुम लोग अमालगमेशन में करते थे, उसमें नेट एसेट आता था, एसेट माइनस लायबिलिटी करते थे, वो एसेट माइनस लायबिलिटी जो है ना वो ही बनता है तुम्हारा नेट एसेट। वाह वाह, जसलीन के अंदर का सीए जाग गया, बोलती है बट एक्सपेंसेस कैन बी मैनिपुलेटेड इन रियल लाइफ ना, ऐसे कैसे, ऑडिटर इसीलिए तो रखते हैं कि वो एक्सपेंसेस मैनिपुलेट ना हो, तो वो ऑडिटर देखेगा ना हर एक एक्सपेंस का इनवॉइस जेन्युइन एक्सपेंस है कि नहीं, एफे कैफे चलेगा दीदी। सर रेंट विल बी टेकन केयर फ्रॉम अ मैनेजमेंट फीस एंड अदर गेन्स ऑफ म्यूचुअल फंड हाउस। अरे बाबा एक ही बात हो गया, या तो मैं मैनेजमेंट, मैं बोलता हूं मेरा प्रोफेशनल फीस दे दो 1%, या तो मैं रेंट का अलग दे दो, इसका अलग दे दो, या मैं टोटल बोल दूंगा मेरे को 5% दे दो, उसमें मेरा प्रोफेशनल फीस रेंट वेंट सब आ गया। बेसिकली वो खर्चा जो है म्यूचुअल फंड का वो निकलेगा तो यहां से ही ना। तुम लोग कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, इररेलेवेंट चीज के ऊपर तुम लोग अननेसेसरीली सोच रहे हो। यस साई कृष्णा, सो इफ द प्रोसीड्स आर यूज फॉर परचेज ऑफ अदर शेयर्स, तो से फॉर एग्जाम्पल यू आर परचेजिंग एनी अदर शेयर, देन इन दैट केस दैट मार्केट वैल्यू विल कम एज ऑफ डेट, जो भी आपके पास शेयर्स है उसका मार्केट वैल्यू आएगा, सिंपल। मीन्स ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल बी लेस, एग्जैक्टली सिंपल। टोटल नैव डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। अक्षत सिंगला टोटल नैव, तो ये तेरा टोटल नैव ही है, सिर्फ इसको मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स से आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाता है, नैव पर यूनिट, तो मुझे मिल जाता है नैव पर यूनिट। यस एवरीबॉडी आर वी क्लियर? हाँ भाई, अब तुम्हारे क्या डाउट है पूछ लो। सो एज ऑफ डेट मेरे को देखना है कितना मेरा मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का, कितना डिविडेंड इनकम मिला है, क्या कुछ कैपिटल गेन मिला है, इंटरेस्ट इनकम मिला है, उस सब ऐड करो, लेस करो एक्सपेंस, नया मिल गया। यस महादेव आ जाएगा, ग्रेट डन, ऑल क्लियर। अब देखो, अब एक अक्षत का क्वेश्चन है उसको मैं जवाब देता हूं। तो सर हम क्लोज एंडेड फंड्स एट मार्केट वैल्यू परचेज सेल करते हैं, करेक्ट, एंड नैव इज पर यूनिट, तो क्लोज एंडेड भी इनडायरेक्टली नैव ही हुआ ना, इज दैट दैट वी आर परचेजिंग डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट। हाँ बट क्या होता है पता है क्या, मार्केट के डिमांड सप्लाई की वजह से नैव और मार्केट का प्राइस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो हो सकता है नैव है 15 रुपया, बट मैं मार्केट में बोलूंगा नहीं ये 15 रुपए का नैव है बट मैं 16 रुपए में बेचूंगा, तेरे को खरीदना है तो खरीद, तो भले ही उसका नैव है 15 रुपया बट मैं 16 रुपए में बेचना चाहता हूँ तो मार्केट वैल्यू 16 हो गया। भाई वो तो सेलर डिसाइड करेगा मार्केट वैल्यू, समझ रहा है, तो वो नैव है, नैव के आजू बाजू में ही होगा, बट सेलर कैन डिमांड वॉट एवर ही वॉन्ट्स, हो सकता है नैव 15 है बट सेलर को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, वो बोले 14 रुपए में ले बट ले ले खत्म कर, सो दैट इज वेयर मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट, कैन बी सेम विद नैव, डिपेंड्स, ऐसा है, तो अपने को तो उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखना है, समझा अक्षत? ओके प्रेरणा, तेरा वाला जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकल आएगा तब तो अपन लोग देख लेते हैं, सो यू विल बी मोर क्लियर। ओके डन है गाइस, इतना क्लियर है, अब मुझे चाहिए कि तुम लोग ये लिखो। हाँ, क्लोज एंडेड जब भी मार्केट वैल्यू होता है तो सेलर डिसाइड करेगा मेरे को कितने में बेचना है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, मेरे पास रिलायंस का शेयर है, मेरे को रिलायंस और रिलायंस का शेयर मार्केट में 2500 में ट्रेड हो रहा है, बट मेरे को अगर 3000 में बेचना है तो मैं डालूंगा उस पे आई वॉन्ट टू सेल इट एट 3000, कोई बायर होगा जो 3000 में खरीदने को रेडी है तो हो जाएगा, नहीं होगा बायर तो नहीं बिकेगा, बट सेलर विल डिसाइड द प्राइस ऑलवेज इन सेकेंडरी मार्केट, ये हमेशा याद रखना, भले शेयर हो म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी हो।
उसी को तो बोलते हैं मार्केट प्राइस। चलो गाइस, अब डेफिनेटली तुम लोग को ये चीज अब मेरे को लिखवानी है तो वो मैं लिखवाऊंगा। यस असलम, ओके देन। अब यस, अपने को अपन ने जो भी डिस्कस किया अब मेरे को लिखवाना है। ओके 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 हले हले। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाद में मैं तुम लोगों को लिखवाता हूं। चलो अभी फ्लो में है अपन लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। हाँ भाई, सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अपन लोग म्यूचुअल फंड का। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड यहां पे आ जाइए। आप है कंपनी के CIO, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो लेट्स स्टार्ट। सो अभी देखो इधर, द फॉलोइंग पोर्टफोलियो डिटेल्स ऑफ अ फंड आर अवेलेबल। स्टॉक ABCD, 2 लाख शेयर्स, 3 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स, 6 लाख शेयर्स। प्राइस 35, 40, 20, 25। मतलब मैंने जब इन्वेस्ट किया था इन शेयर्स में, तब इन शेयर्स का प्राइस था इतना। उसके बाद द फंड हैज अक्रूड मैनेजमेंट फीज विद द पोर्टफोलियो मैनेजर ₹30,000। क्या नहीं सही है मेरा खर्चा एक्सपेंस? यस सर। देर आर 40 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। ओके सर, ओके। 40 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड इफ द फंड इज सोल्ड? ठीक है, ये फिलहाल कट कर दो। व्हाट इज द नेव ऑफ द फंड? सो अपने को नेव कैलकुलेट करने को बोला है, क्या अपन नेव कैलकुलेट कर पाएंगे पब्लिक? बोलो बोलो, चल चल। द आंसर इज यस। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मैं खाली आप लोगों को इसके लिए ये सम कराया ताकि आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाए दैट यस वी कैन कैलकुलेट द नैव। कैसे कैलकुलेट करते हैं नैव? कैन आई से इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस मिसलेनियस इनकम लेस अक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारा डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव मी नैव पर यूनिट। सही है सर। अब आ जाते हैं अपन लोग, अब आ जाते हैं अपन लोग इसके सोल्यूशन के ऊपर। अब सुनो ना, अपने को बहुत सारा थियोरी लिखना बाकी है। फ्लो फ्लो में मैं चला तो गया हूं, बट अभी लिखना भी तो पड़ेगा अपने को। तो फ्लो फ्लो में अभी अपन लोग लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं सॉल्व करवाऊंगा ही, जो थियोरी है वो भी अपन लोग लिखेंगे, बट थोड़ा सा थियोरी पे अपन लोग लिखने पे टाइम कम डालेंगे। थियोरी लिखने पे लिखना है सब, स्टूडेंट नोट्स और वो सब तो बनेंगे, बट थियोरी लिखने पे ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे, बिकॉज वो मेरे हिसाब से एक अनप्रोडक्टिव टाइम है, एटलीस्ट मेरे लिए। मतलब मेरे को तो अभी कुछ करना ही नहीं है उससे ज्यादा। उतना टाइम में मैं और ज्यादा सम्स करवाऊं, ज्यादा चीजें करवाऊं, ये मेरा मानना है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? चलो हाँ। सो अभी तुम लोग फ्लो में चाहिए तो लिख लो, क्वेश्चन वन सॉल्व कर लेते हैं साथ में, और फिर थियोरी भी बता देता हूँ। और प्लस तुम लोग के पास ये नोट्स तो रहने ही वाला है, सो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। चलो आओ। सो यहां पे अब अपन लोग लिख रहे हैं, अपने पास इस कंपनी ने खाली शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। सो आई विल राइट हियर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो अपने पास यहां पे 4 शेयर्स है, ABCD। अच्छा, ए का कितना क्वांटिटी है भाई? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख,
ए का है 2 लाख शेयर्स, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, बराबर है? ओके। अब इन सब का मेरे को कॉस्ट चाहिए या मार्केट प्राइस? ऑब्वियसली मार्केट प्राइस, सॉरी। सो ये इसका मार्केट प्राइस है, आई थिंक मैंने इसको पहले कॉस्ट बोल दिया था गलती से, ये उसका मार्केट प्राइस है एज ऑफ डे। सो अपने को तो मार्केट प्राइस ही चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो 35, 40, 20, 25। सो मार्केट प्राइस कितना है? 35, 40, 20, 25। ये आपको मिल जाएगा मार्केट वैल्यू, ये आपको मिल जाएगा मार्केट वैल्यू। कितना आता है देखो जरा, 2 लाख इंटू 35, 70 लाख। फिर 1 करोड़ 20 लाख, फिर 80 लाख, फिर 1 करोड़ 50 लाख, डन। यहां से मुझे मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 70 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 150, एंड दैट इज 4 करोड़ 20 लाख। 4 करोड़ 20 लाख। सही है? अब इसको डिवाइड करना है अपने को, बट 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 सुनो सुनो, अब अपने को नैव कैलकुलेट करना है। नैव क्या बोलता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, या जिसको अपन बोलते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस, ये माइनस करना पड़ेगा। कितना है? 30,000 सर। सो 30,000 माइनस कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ 20 लाख माइनस 30,000 डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? बोलो बोलो, चल चल, क्वेश्चन में क्लियरली दिया है देर आर 40 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। इधर आ जाएगा 40 लाख। इसी के साथ होता है मेरा ये आंसर कंप्लीट। एंड इट इज रुपीज 10.4925 पर यूनिट इज द नैव। क्या समझू एवरीबॉडी? एकदम इजी पीजी था, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन था तो, बट समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या है क्या नहीं सब चीजें? गॉट इट गाइस? डन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं आप लोग को एक पूछना चाहता हूं क्वेश्चन। मेरे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना है, क्या मैं कर सकता हूं? द आंसर इज यस। कितने यूनिट्स मेरे को मिलेंगे अगर मैं इस फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो? मेरे पास 10 लाख रुपए है,
कितने यूनिट्स मेरे को मिलेंगे अगर मैं इस फंड में इन्वेस्ट करूंगा, तो इज व्हाट आई वांट आंसर फ्रॉम यू. 10 लाख रुपीज इज व्हाट आई विल इन्वेस्ट. सीधी सी बात है, आप लोग सीधा अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे. 10 लाख डिवाइड बाय 210.159, ये आता है आपका 4758. अब क्या इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, क्या कितना है भाई 210.159, तो ये आ जाता है 4758.30 यूनिट्स. अब मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली बात, यूनिट्स कैन बी इन डेसिमल. जी हां, सबसे पहला पॉइंट टू बी नोटेड, नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी इन डेसिमल्स. दूसरा पॉइंट, नैव पर यूनिट जब आप कैलकुलेट करते हो ना, नैव पर यूनिट जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तब आप ले लो 4 डेसिमल्स, तब आप ले लो 4 डेसिमल्स. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तब आप ले लो 2 डेसिमल्स, तब आप ले लो 2 डेसिमल्स. समझू? समझे? डन. ये आईसीए यूजुअली फॉलो करता है, वो मैंने आपको बताया है. डन डन एंड डन गाइस. इधर तक किसी को कोई डाउट, कोई शक? चल परफेक्ट, डन. चलो भाई, समझ में आ गया इतना एवरीबॉडी? यस सर, बिल्कुल. चलो अब और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, और इस एग्जाम्पल में भी आप लोगों को मैं बना रहा हूं कंपनी का सीआईओ. बधाई हो, यू आर द कंपनी सीआईओ. सीआईओ मतलब क्या? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर. ठीक है. अब से एस के म्यूचुअल फंड ने एक ओपन एंडेड स्कीम निकाली है, एक ओपन एंडेड स्कीम निकाली है. से आज 4 जैन का अपन डेट लेते हैं. से 4 जैन को इसका क्लोजिंग नैव इज इक्वल टू ₹15 पर यूनिट. एक क्लोजिंग नैव मतलब कितने बजे, क्लोजिंग नैव मतलब कितने बजे हुआ रहेगा ये भाव, क्लोजिंग नैव मतलब ये भाव कितने बजे हुआ रहेगा? मानसी क्या पूछ रही है तू? सैलरी? सैलरी आ गया इसमें, तेरा ये जो एक्सपेंसेस होता है ना, इसमें सारा सैलरी विलरी सब आ गया. कहना इसे 3:30 बजे का है. ठीक है, आप मेरी कंपनी है एसके म्यूचुअल फंड, उसके आप सीआईओ हो. 4 जैन को, विच इज टूडे, 3:30 बजे ₹15 पर यूनिट का क्लोजिंग नैव है. ठीक है, अब सुनो क्या क्या हुआ. 5 जैन मॉर्निंग 7:30 AM, ठीक है, एक बंदा आया और बोला कि अच्छा, और एक चीज मैं इधर बता दूं कि 4 जैन को क्लोजिंग नैव था ₹15 पर यूनिट, एंड आउटस्टैंडिंग यूनिट्स थे 20,000 यूनिट्स. आउटस्टैंडिंग यूनिट्स थे 20,000 यूनिट्स, 20 लाख यूनिट्स. चलो ज्यादा रखते हैं, बड़ा है तो बेहतर है.
20 लाख यूनिट्स मेरे आउटस्टैंडिंग यूनिट्स थे, क्लोजिंग नैव था मेरा 15 पर यूनिट। अब हुआ क्या बताए क्या, 5 जैन को मॉर्निंग 7:30 AM को, 7:30 AM को मिस्टर ए आए और बोलते हैं कि आई वॉन्ट 80,000 यूनिट्स ऑफ योर म्यूचुअल फंड, आई वॉन्ट 80,000 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर ये ओपन एंडेड फंड है तो क्या अपन इनको ये 80,000 यूनिट म्यूचुअल फंड का दे देंगे क्या? बोलो बोलो चल चल। यस सर। ओके, कितने में देंगे अपन लोग? ठीक है ठीक है, 15 पर यूनिट ध्यान में रखना, 80,000 यूनिट्स अपन लोग ने इसको दे दिया। इसको बोलते हैं इशूइंग म्यूचुअल फंड्स, इसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इशू ऑफ यूनिट्स, इशू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। 5 जैन मॉर्निंग 7:30 AM म्यूचुअल फंड कंपनी एसके एमएफएफ ने क्या किया, म्यूचुअल फंड यूनिट्स इशू किए, किसको, मिस्टर ए को। कितने, 80,000, कितने में वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, 5 जैन को आफ्टरनून 1:30 मिस्टर बी आया और बोलता है आई वॉन्ट टू रिडीम या आई वॉन्ट टू सेल माई म्यूचुअल फंड। क्या वो ओपन एंडेड स्कीम में, क्या वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आ सकता है क्या बेचने के लिए? आ सकता है सर। आई वॉन्ट टू सेल माई म्यूचुअल फंड, कितना, 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। ठीक है, क्या कंपनी को ये 30,000 यूनिट्स जब वो सेल कर रहा है तो कंपनी उसको क्या देगी, कह रहे कंपनी उसको पैसा देगी और 30,000 यूनिट्स ले लेगी, बराबर के नहीं, क्या भाव पे, वो तुमको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ एमएफ यूनिट्स। आपने रिडीम किया ना, आप एसके म्यूचुअल फंड हो तो आपके पास एक बंदा है बोलता है मेरे को 30,000 यूनिट उसको अपना सेल करना है, तो बेसिकली मैं परचेस कर रहा हूं और उसको रिडीम करके दे रहा हूं, मतलब रीपे कर रहा हूं उसको, तो इसको कहते हैं परचेज / रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। ए समझा क्या, परचेज / रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, ये इश्यू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। इतना अपने को क्लियर है? 4 जैन, 5 जैन, 5 जैन क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ठीक है ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आया है बताओ क्या? ठीक है, 5 जैन 2 बजे एसके म्यूचुअल फंड को डिविडेंड रिसीव हुआ है। एसके म्यूचुअल फंड को डिविडेंड कैसे रिसीव होगा? एसके म्यूचुअल फंड ने किसी इक्विटी शेयर कंपनी में डाला था, उसने डिविडेंड दिया है, कितना पता है, ₹1,50,000। ठीक है अच्छा, 5 जैन 3 PM को इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का अप्रिसिएशन हुआ है ऑफ ₹5 लाख। अरे 5 जैन को 2 बजे म्यूचुअल फंड को डिविडेंड रिसीव हुआ, हो सकता है ना अपन लोग ने किसी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो उसका डिविडेंड रिसीव हुआ, 2 बजे अपने अकाउंट में आया, ओ वाव, 3 बजे पोर्टफोलियो में जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था वो 5 लाख से अप्रिशिएट हो गया। आपको कैलकुलेट करके बताना है, मैं हूं सेबी, मैं आपको 5 जैन 3:30 PM को कॉल करूंगा, आपको मुझे बताना है नैव पर यूनिट ऑन 5 जैन एट 3:30 PM। क्या आप मुझे ये बता पाएंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन? आप CIO है, मस्त तगड़ा चीज दिया है, बोलो चैलेंज एक्सेप्ट करने को रेडी हो या मैं सीधा मेरे फ्लो में बताते जाऊं? ये देखो मानसी तो कितनी होशियार है, उसने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया मानसी, रॉन्ग आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट कर रहे हो, 5 मिनट दू तुम लोग को, चलेगा? ट्राई करोगे? फिर मैं करूंगा, ठीक है, ट्राई एफर्ट चाहिए मुझे तुम्हारा। स्टार्ट एवरीबॉडी।
कुछ डाउट हो तो पूछ लो, 2 मिनट में दे रहा हूं, स्टार्ट।
चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप, स्टार्ट करेंगे पब्लिक, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। चलो तो अब मेरे को बताओ कैसे सॉल्व किया है इसको। कम ऑन गाइस, किया तुम लोग ने, तुम लोग के आंसर्स आए हैं, लेट मी चेक, अभी पता चल जाएगा क्या किया है, कैसे किया है, तुम लोग ने बताओ। यू आर द सीआईओ ऑफ द कंपनी। सी, अपन लोग को कैलकुलेट करना है नैव पर यूनिट, ठीक है। सॉल्यूशन मैं इधर लिख रहा हूं, अपने को कैलकुलेट करना है नैव पर यूनिट। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, नैव अपना कैलकुलेशन अपन लोग ने कैसे कैलकुलेट किया। यूजुअली अपने का क्या आइडिया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस अपन लिखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, प्लस अपन लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्लस अपन लिखते हैं एनी अदर इनकम, जो भी होगा ये कैपिटल गेन बिंग जो भी आ गया, बराबर है। इसमें अपन लोग लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो ये यूजुअली अपन लोग करते हैं, बराबर है। अब इस पार्ट में अगर आप लोग देखते हो ना, तो कहीं पे भी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है क्या? नो, उन्होंने सीधा पोर्टफोलियो का अप्रिसिएशन दे दिया। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है उसमें वो पोर्टफोलियो का कितना अप्रिसिएशन हुआ है वो दिया है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो लोग ने कहीं पे भी दिया है क्या? द आंसर इज नो। बट क्या मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 अगस्त को जो भी था क्या वो मैं निकाल सकता हूं क्या? द आंसर इज यस। 15 रुपए का नैव है, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 20 लाख है, तो कहना इसे मुझे पता चल गया कि भाई 4 अगस्त को मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहना इसे 20 लाख इंटू 15 हुआ होगा, विच इज वॉट एवर 3 करोड़ या जो भी है। अरे बोलो बोलो, चल चल, यस। उसके ऊपर आज 5 लाख का अप्रिसिएशन हुआ है और 15.5 लाख का डिविडेंड रिसीव हुआ है। क्या आप लोग को लॉजिकली समझ में आया क्या ये चीज? समझ रहे हो? तो कहना इसे 4 अगस्त को क्या मार्केट वैल्यू था, क्या मार्केट वैल्यू था, उस हिसाब से मैं चीजों को लिखूंगा। सो 4 अगस्त को मार्केट वैल्यू था 20 लाख यूनिट्स एट द रेट ₹15 पर यूनिट। सो मेरे पास 4 अगस्त का वैल्यू है कितना? 300 लाख। सही है। अब इसमें क्या हुआ है, मैंने डिविडेंड रिसीव किया है, तो कहना इसे वो तो मेरा इनकम हो गया। कितना इनकम हुआ मेरा डिविडेंड रिसीव किया मैंने, तो बोलो बोलो चलते हैं, 1,50,000। सो इधर मैंने लिख दिया 1,50,000। पोर्टफोलियो जो मेरा ये 30 लाख का 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, कहना इसे उसमें अप्रिसिएशन हुआ है। सो पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, अच्छा कितना हुआ है पोर्टफोलियो का अप्रिसिएशन, कहना इसे 5 लाख रुपए का हुआ है। सो ये है 5 लाख रुपए, राइट। अब आता है मोस्ट क्रूशियल पॉइंट जो अभी मेरे को आपको बताना था इस एग्जांपल के थ्रू, दैट अब कहना इसे यहां पे इश्यू ऑफ यूनिट्स एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स हुआ है। अब 5 जैन सुबह 7:30 बजे अपन लोग ने इश्यू किया है यूनिट्स। क्या भाव पे इश्यू किया रहेगा? तो लास्ट ट्रेडिंग भाव पे, विच इज 15 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, कहना इसे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मेरे अकाउंट में पैसा आया है। अब वो म्यूचुअल फंड का है या इन्वेस्टर का पैसा है, मतलब इन्वेस्टर अब जो भी जितने भी लोग हैं वो लोग का पैसा उसमें जाएगा ना, ये तो नेट एसेट वैल्यू में इतनी चीज ऐड हो जाएगी, समझे। सो इधर मैं कर दूंगा ऐड क्या, कैश रिसीव्ड ऑन यूनिट्स इश्यूड, ये भी तो पैसा आया है ना अपने पास, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें कैश आया है वो अभी मेरे पास पड़ा है, तो वो भी तो मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के तरह ही ट्रीट होगा ना। कैश का मार्केट वैल्यू जितना कैश है उतना ही मार्केट वैल्यू उसका, बट आएगा तो सही ना मेरे इधर कैलकुलेशन में, समझे क्या, समझे क्या एवरीबॉडी। सो इधर मैं ऐड कर दूंगा कैश रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ यूनिट्स, कितना? सो 80,000 यूनिट्स इशू किया है
एट द रेट 15 पर मिनट, विच वर्क्स आउट टू 1 करोड़ 20 लाख, नहीं 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज, समझू? अच्छा, अगर कैश आया है तो इधर लिखा है तो कैश। हाँ, विभा बोल रही है सर फिर कैश लेस भी होगा रिडेम्पशन का, ऑब्वियसली। अरे ऑब्वियसली, तो इधर मैं कर दूंगा लेस कैश पेड ऑन रिडेम्पशन, समझे कैसे डिफरेंट है ये क्वेश्चन? कैश पेड ऑन रिडेम्पशन कितना है? सो 30,000 यूनिट्स रिडेम किया, 3:30 बजे के पहले आ गए थे ये, तो 15 पर यूनिट, सो 30,000 × 15 ये हो जाएगा ₹4,50,000। समझ में आया क्या सबको? कैन आई से अब और कुछ एक्सपेंसेस दिया है क्या? द आंसर इज नो। कैन आई से ये दोनों हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक्सपेंसेस कुछ दिया नहीं है, तो कैन आई से ये टोटल मिला के हो जाएगा मेरा नेट एसेट्स, ये सब मिला के क्या बन जाएगा मेरा नेट एसेट्स वैल्यू? बोलो कितना आता है? थ्री करोड़ 23 लाख, कितना आ रहा है देखो जरा, कुछ तो कैलकुलेशन, मैंने कुछ तो शायद कैलकुलेशन एरर किया, एक सेकेंड। हाँ, अरे क्यों मेरा बार बार कैलकुलेशन एरर आ रहा है, मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है क्या? देखो ना जरा, ऐसे यूनिट्स रिडीम्ड कितना है? 30,000 ना। हाँ, मेरा क्या, हाँ 3 करोड़ 14 लाख आ रहा है ना, तो ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ और लिखा था तो मैं डर गया। चल, 3 करोड़ 14 लाख इज माय नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, इसको अपन किससे डिवाइड करते हैं? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। मुझे एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 4 अगस्त को, 4 जैन को कितना था? इट वॉज 20 लाख यूनिट्स, इट वॉज 20 लाख यूनिट्स। फिर और मैंने यूनिट्स इशू किए, मतलब मेरे यूनिट्स और बढ़ गए, 80,000 यूनिट्स और बढ़ गए, इसमें से 30,000 मैंने रिडीम कर दिए या सेल कर दी, मतलब रिडीम कर दिए। हाँ, तो अब मेरे पास कितने बचे हैं यूनिट्स? 20,50,000 यूनिट्स बचे हैं। फाइनली मुझे मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू कितना? 31,3 करोड़ 14 लाख डिवाइड बाय 20,50,000, एंड ये आ जाता है आपका ₹15.3171, 4 डेसिमल तक। आंसर इज, किस किस का आंसर एकदम करेक्ट आया था बताओ मुझे? आर वी क्लियर एवरीबॉडी टिल हियर? कोई डाउट, कोई शक किसी को? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा सुनो ना, क्लियर है किसी को भी इसमें कोई डाउट? डन। अब एक एक चीज मेरे को लिखनी है, एक चीज मेरे को लिखनी है, क्या ना इसे, एक तो अपन लोग ने नैव जो टिपिकल वे में कैलकुलेट करते हैं वो किया, क्या ना इसे ये वाला जो नैव है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा पता है? व्हेन नैव इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, तो आपको जब येस्टरडे का नैव दिया है, कुछ कैश आ रहा है, कुछ कैश जा रहा है, डिविडेंड आ रहा है, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन आ रहा है, तो इस सच सिचुएशन में वी विल राइट डाउन दैट व्हेन कैलकुलेशन ऑफ नैव, व्हेन डेली इन्फो इज गिवन,
व्हेन डेली इन्फो इज गिवन। महादेव कट ऑफ टाइम के हिसाब से ही तो किया है अपन लोग ने कैलकुलेशन, ये देखना कट ऑफ टाइम 3:30 का है, उसके पहले ये सारा अपने पास ट्रांजैक्शन हो गया, अपन लोग ने कट ऑफ टाइम के हिसाब से कर दिया। सो व्हेन डेली इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे नैब? आओ आओ बताओ बताओ बताओ। कह रहा इसे अपन लोग ने 4th ऑगस्ट, आज 5th ऑगस्ट है, 4th जैन ना कि ऑगस्ट जैन, ठीक है ऑगस्ट जैन में मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ 4th जैन का जो मेरा यहां पे, हाँ 4th जैन को जो मेरा इधर मार्केट वैल्यू जो इधर मैंने लिखा है उससे मैं स्टार्ट करूंगा। सो आई विल राइट डाउन नैव कैलकुलेशन व्हेन डेली इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो क्या होगा? तो अपन लिखेंगे पहले यस्टरडेज नैव, कल का जो नैव है वो अपन लोग ने लिया, मल्टीप्लाई बाय जो भी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स था, जो भी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स था, प्लस डिविडेंड रिसीव किया अपन लोग ने, प्लस पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन लिया अपन लोग ने, प्लस अगर 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 कुछ कैपिटल गेन या जो भी होता तो आता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस मनी रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ न्यू यूनिट्स। हाँ बस 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 अभी खत्म होने वाला है, डोंट वरी। लेस मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट, जी हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई कैश रिसीव हो रहा है या कोई कैश पे हो रहा है तो वो भी मेरे नैव में एडजस्ट होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। एंड अगर आपको इन जनरल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं दिया है तो आप यस्टरडे नैव इनटू मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट से फाइंड कर सकते हो, उस पर पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन ऐड कर दो, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मार्केट वैल्यू पता चल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा, ये एड लेस करने से आपके पास आ जाएगा टुडेज नैव, करेक्ट। बस हो गया, अब अपना नैव पर यूनिट अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी विल से टुडेज नैव जो अपना ऊपर वर्किंग नोट 1 से आया, डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें भी तो कहानी में ट्विस्ट है। वी विल से आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे अपन लोग ने कैलकुलेट किया, करेक्ट, यस्टरडेज नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर प्लस यूनिट्स इश्यूड लेस यूनिट्स रिडीम। ए समझिगड़ो, इसी के साथ ये वाला पॉइंट क्लियर होता है। अगर तुम मुझे 5 मिनट दो ना तो एक बुक का क्वेश्चन है वो करवा दूंगा यार, मजा आ जाएगा, सच्ची बोल रहा हूं। 5 मिनट अगर मुझे तुम दे दो तो प्लीज, आई नो टाइम हो गया है तुम्हारा, जाना है, बट 5 मिनट अगर दे दो ना तो हो जाएगा यार। और कल फिर ये जो भी स्टूडेंट नोट्स है वो सब मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, चलेगा? चलो करवा देते, एक प्लीज 5 मिनट दे दो ना, एक सम हो जाएगा ना तो एक ऐसा लगेगा मुझे कि हाँ भाई चलो आज जो अपन लोग का जो टारगेट था वो अच्छी तरह से मीटअप हो गया। कोई घाई नहीं करनी है, तुम लोग ना बोलोगे तो नहीं करवाऊंगा, बट अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होमवर्क नहीं दे सकता, मुझे करवाना है वो सम। हाँ वही कल फ्लो टूट जाएगा इसके लिए। यूनिट्स इश्यूड एंड रिडेम्पशन का डायरेक्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? डायरेक्ट ट्रीटमेंट ही तो किया, और क्या ट्रीटमेंट होता है? हाँ नोट्स दे दूंगा ध्रुविन, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी, इसी बात के ऊपर आप लोग सब ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये नोट्स आप लोग का इमीडिएटली मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, टेंशन मत लेना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर फटाफट। ये रहा, कैलकुलेट टुडेज नैव ऑफ फ्लेक्सी फंड, फ्लेक्सी फंड मतलब
दो तीन फंड का कॉम्बिनेशन है, ये फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। फ्लेक्सी फंड क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल इस पे आ जाओ। येस्टरडेज नैव रुपीज 12.87, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 1.25 करोड़, फेस वैल्यू रुपीज 10, एक्सपेंसिस 1 लाख, अज्यूम सेल नैव एंड रीपर्चेज नैव टू बी एट 12.87। मतलब अगर कोई नैव इशू करना है तो 12.87 पे आप इशू करोगे, और कोई नैव कोई म्यूचुअल फंड यूनिट को रिडीम करना है तो 12.87 पे रिडीम करोगे। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। अप्रिसिएशन कितना हुआ पोर्टफोलियो का आज, कितना फ्रेश सब्सक्रिप्शन गया 2 लाख का, कितना रिडेम्पशन हुआ 0.75 लाख यूनिट्स का, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ 1 लाख रुपीज का। चलो क्या बोलता है पब्लिक, क्या नहीं से अभी जो अपन लोग ने किया उसके जैसा ही है, हार्डकोर सम ऑफ मॉड्यूल ट्राई करेंगे अपन लोग। एवरीबॉडी 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करेंगे गाइस, फिर मैं आता हूं। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, स्टार्ट एवरीवन। पहले एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लो, चलो फिर साथ में करेंगे। चलो समझ में आ गया। सो ऐसे सिचुएशन में जब आपको डेली नैव वाला कैलकुलेशन करना है तो अपना फॉर्मूला कैन आई से यस्टरडेज नैव से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करेंगे अपन लोग। सो वी विल से ये वाला नैव कैलकुलेशन है ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट करते हैं अपन। चलो नैव कैलकुलेशन ऑन डेली बेसिस। कैसे करते हैं अपन, टुडेज नैव विच इज वॉट येस्टरडे नैव, तुम लोग का कैलकुलेशन चालू रखना, इन टू नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग बोलो कितना था येस्टरडेज नैव 12.87। यस सर, नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग 1.25 करोड़, सो 12.87 का नैव मल्टीप्लाई बाय 1.25 करोड़, ओ कितना होता है ये, सो 1 करोड़ 25 लाख इंटू 12.87 ये आता है 16 करोड़ 8 लाख 75 थाउजेंड। राइट, ये अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टुडेज नैव कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो 16 करोड़ 8 लाख 75 थाउजेंड प्लस, इसमें अपन प्लस क्या प्लस करने वाले हैं बोलो, क्या क्या दिया है वो लोग ने क्वेश्चन में, देखो पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन 12 लाख, सो पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन रुपीज 12 लाख डन। यस सर, फिर यूनिट्स फ्रेश सब्सक्रिप्शन, ए इसका मतलब क्या है मुझे समझाओ ना, थोड़ा मेरा वीक है म्यूचुअल फंड, थोड़ा वीक है मेरा, मुझे समझाओ ना इसका मतलब क्या होता है। जिसका मतलब यूनिट्स फ्रेश सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट्स फ्रेश सब्सक्रिप्शन का मतलब यूनिट्स इशूड हुआ, ये कैन आई से ये यूनिट्स इशूड हुआ, तो यूनिट्स इशू करते हो तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा आता है। कितने भाव पे अपने को इसको म्यूचुअल फंड को सेल करना है, कितने भाव पे वो खरीदेगा 12.87। सो यहां पे अपन ऐड करेंगे कैश रिसीव्ड ऑन इशू लेस कैश पेड ऑन रिडेम्पशन। अच्छा कितना आया है कैश रिसीव्ड ऑन इशू, 2 लाख इंटू 12.87, सो 2 लाख
25,74,000. समझे? अच्छा, कितना रिडेम्पशन हुआ है सर? 75,000 यूनिट्स का, 75,000 यूनिट्स का ही हुआ है ना, तो 75,000 इंटू 12.87, 9,65,250. Got it, got it, got it. Done. और कुछ, और कुछ, और कुछ है? रिडेम्पशन हो गया, डिविडेंड मिला, 1 लाख रुपए डिविडेंड मिला. ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड डिविडेंड रिसीव्ड. कितना? 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिल गया है. और कुछ? एक्सपेंसेस 1 लाख. लेस कर दो, लेस कर दो, लेस एक्सपेंसेस 1 लाख. ए समझे? So, इसी के साथ मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टोटल नेट एसेट्स कितना है, मेरा टोटल नेट एसेट्स कितना है. सो लेट्स सी, 16 करोड़ 8 लाख, 75,000 प्लस 12 लाख, 25,74,000, 9,65,250, 1 लाख, 1 लाख. सो ये आ जाता है मेरा फाइनली 1,63,83,750 डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. कहानी में यहां पे भी ट्विस्ट होता है भाई, ध्यान रखने का. क्या ट्विस्ट है देखो, क्या ट्विस्ट है? सो ट्विस्ट है 1,25,00,000 इशू किया तो कितना पैसा आया, तो आई मीन 2 लाख यूनिट्स इशू किया तो यूनिट्स बढ़ गया, लेस 75,000 यूनिट्स माइनस किया. 1,25,00,000 प्लस 2 लाख लेस 75,000, ये आ जाता है आपका 1,26,25,000. एंड फाइनली 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 मुझे मिल गया है मेरा नैम. कितना आता है भाई? 12.9650. क्या मैं आप लोग को एक सवाल पूछूं, क्या सब लोग को समझ में आया कि किसी किसी को अभी भी डाउट है? मेरा कुछ और आंसर आ रहा है क्यों ऐसा? मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? मेरा कुछ और आंसर आ रहा है. वन 12.9650 आ रहा है मेरा. चार डेसिमल है, चार डेसिमल. रुपीज 12.9650 पर यूनिट इज माय नैव. एंड यही क्वेश्चन ने पूछा था. ए समझिगड़ू एवरीबॉडी? परफेक्ट, एकदम सब लोग को क्लियर है? चलो डन. तो अभी मेरे को थोड़े नोट्स और वो लिखवाने, वो मैं कल करवाऊंगा, डोंट वरी. आज फ्लो में अच्छा अपना सम्स हो गया, दो सम हो गया, नैव का दो तरीके से कैलकुलेशन आ गया, ग्रेट गोइंग, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड आ गया है, तो म्यूचुअल फंड किक स्टार्ट हो गया है गाइस. सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा, देखो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है अपना एसएफएम जर्नी का, फर्स्ट सेशन हुआ है, खाली इतना पूछ रहा हूं सब कुछ समझ में आया? एनी डाउट्स एनीबडी? फ्लो बराबर लग रहा है? स्पीड बराबर लग रहा है? तरीका बराबर लग रहा है? एक बार कंफर्म कर दो. सो बस ऐसे ही अपन लोग उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे. कोई होमवर्क नहीं है आज, एंजॉय करो. परफेक्ट है एकदम, तो बता दो मुझे कंफर्म, सो दैट कहानी को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे. यस, ये एकदम परफेक्ट है. नोट्स अब भी का भी अपलोड हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट एट ऑल.
चलो सब लोग बोल रहे हैं परफेक्ट जा रहा है, सही है। तो आप लोग बताते जाना एकदम, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, सब सही जाना चाहिए। आरुषि जी, नायब एकदम बराबर है मेरा, आपका नायब रॉन्ग हो गया शायद। चलो ग्रेट, एकदम छकास पब्लिक बोल रहा है, परफेक्ट है। चलो थैंक यू। गूगल ड्राइव और वो सब अभी लिंक मिल जाएगा आपको, विल अपलोड इट, डोंट वरी। चलो ठीक है, डन। सो आज क्या क्या किया 2 मिनट में खाली, अगर आप मेरे को बताना हो, कल अपन रिवाइज करने वाले हैं स्टार्ट में, डोंट वरी। अगर मेरे को बताना हो तो यहाँ पे अपन लोग ने नैव के ऊपर आज पूरा फोकस किया है, 2 सम किए नैव पे, नैव कैसे कैलकुलेट होता है वो अपन लोग ने कैलकुलेट करना सीखा है, राइट। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड फंड क्या होता है वो अपन लोग ने समझ लिया है, एंड दैट्स इट। सो नैव का फॉर्मूलाज डिराइव किया है, देखा फॉर्मूला, पहले अपन लोगों ने नैव खुद से सॉल्व किया और फिर फॉर्मूला डिराइव किया और उसमें अपन लोग अपनी चीजें ऐड करते गए। सो एक्चुअली तुम लोग ने नैव को डिराइव किया है, रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। चलो गाइस, टाइम फॉर मी टू से अस्ता ला विस्ता, कुछ लोग ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आप लोग का मैं और टाइम नहीं लूंगा, बट मजा आया सेशन में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, वी आर डन। प्रिंस, कभी कभी संडे को भी होगी, कभी कभी नहीं होगी, आई कैन नॉट अश्योर यू। तुम लोगों को आने वाले 50 दिन मुझे सौंप देना है अपने आप को, मैं कुछ भी कभी भी करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू। बुक्स जिसको नहीं मिला है, बहुत जल्द प्रिंट होके डिस्पैच हो जाएगा तो मिल जाएगा तुम लोगों को, एंड दैट्स इट। थैंक यू, हास्ता ला विस्ता। इन केस आपको गूगल ड्राइव लिंक ना मिले या नोट्स ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरी टीम को बोल के मैं करवा दूंगा। और ये जो नोट्स है वो तो आप लोग लिख लेना, बट कल मैं आप लोगों को इसका रिवीजन करवा दूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगा। चलो साइनिंग ऑफ, हास्ता ला विस्ता गाइस। जय कुमार, रोज के 2 लेक्चर करवा दो, कल उसने ना स्टार्ट ऐसे ही किया था, बोला था कि सर इतना मजा आना चाहिए कि रोज के 2 लेक्चर हो जाए, आज बोल रहा है सर 2 लेक्चर करवा दो, गुड, अप्रिशिएट।